हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल पर। फ्रेंड्स, आप बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की डॉक्यूमेंट्स, आरआरसी चेन्नई की डॉक्यूमेंट्स डेट जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, वो यहाँ पर जो है आरआरबी ऑफिशियली वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है। ठीक है, जिन छात्रों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, वो छात्र अपने जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ई कॉल लेटर। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि वैकेंसी से कम छात्रों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जितनी वैकेंसी उनसे कम छात्रों को बुलाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, कट ऑफ कितनी गई थी, क्या सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि फिजिकल जो छात्रों ने दिए थे, फिजिकल में बहुत सारे छात्रों ने जो क्वालिफाई किया था, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो छात्र क्वालिफाई किए गए हैं, उन छात्रों के लिए मैं बता दूँ आपको जो कि कम छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, देखिए ऐसा ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छात्रों को जो है वहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्योंकि बहुत से छात्रों को कुछ नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट किस छात्र पर नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट किस छात्र पर नहीं होता, तो इस चक्कर में बहुत से छात्रों को जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो क्या इसकी सेकंड लिस्ट भी आएगी, इस पूरी वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर चेन्नई ने आरआरसी की एक वेबसाइट है जिसने आपको जो है फिजिकल कंडक्ट करवाया था। ठीक है, ये ऑफिशियली है, कोई भी फर्जी नहीं, यहाँ पर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं आरआरबी की जितनी भी वैकेंसी है, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ठीक है, जेई की वैकेंसी हो, आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी हो, सभी की अपडेट्स मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां भी अच्छे अच्छे पिक्स एंड वैकेंसीज के अपडेट्स देता रहता हूं। तो चलते हैं फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो है हम आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। यहां पर जो आपका आरआरसी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था आरआरबी चेन्नई वेबसाइट का, तो rrcmas.in यहाँ पर जो है आपका एग्जाम को जो फिजिकल था वो कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पर जब आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 02/2018 लेवल 1 पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डाउनलोड कॉल लेटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया उन छात्रों का लिस्ट यहाँ पर है, और जो छात्र को लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो अपना एडमिट कार्ड या ई कॉल लेटर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, इस पर हम क्लिक करेंगे तो लिस्ट आपकी यहाँ पर जो है डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। जिन छात्रों का जो है रेलवे में चेन्नई जोन से जो छात्र थे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उन छात्रों को यहाँ पर लिस्ट पूरी दी हुई है। साथ ही यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सीबीटी हेल्ड ऑन 17/9/2018 से 17/12/2018 एंड क्वालिफाइंग इन द फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट फॉर नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हेल्ड फ्रॉम 22/3/2019 से 24/3/2019 द फॉलोइंग कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विच विल बी हेल्ड ऑन 24/2019 से 16/मई 2019 एट आरआरसी ऑफिस चेन्नई। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है फ्रेंड्स, इनका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके जिन छात्रों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाता, अब उन छात्रों ने फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो छात्र शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन छात्रों का जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है और मेडिकल टेस्ट आपका 25 अप्रैल से 16 मई 2019 तक करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 अप्रैल से आपका 16 मई तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसी दिन आपका मेडिकल टेस्ट करवा दिया जाएगा, या उसी दिन नहीं करवाएगा तो अगले नेक्स्ट दिन आपको जो है मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट या उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन करवा दिया जाएगा मेडिकल, या उसके अगले दिन आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो है वो 25 अप्रैल से 16 मई के बीच करवा दिया जाएगा। जो एक्चुअल डेट होगी वो आपके एडमिट कार्ड में शो होकर आएगी। ठीक है, यहाँ पर बता दिया है कि इस दिन तक करवाया जाएगा, यानी 25 अप्रैल से 16 मई तक आपका करवाया जाएगा। आगे दिया है कि द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में डाउनलोड कॉल लेटर फॉर आरआरसी चेन्नई वेबसाइट www.rrcms.in where in the individual dates in the time document verification and the indicated along the instruction of the candidate attending document verification। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कॉल लेटर कर सकते हैं। ठीक है, और सभी
की जो भी डेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया वो सभी छात्र फॉलो करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो छात्र यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किए गए उन छात्रों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कितने छात्रों को जो है क्वालिफाई किया गया है, आपकी वैकेंसी से कम छात्रों को क्वालिफाई किया गया है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 यानी 2900 यानी 924, ठीक है, यहाँ पर जो है 2924 छात्रों को जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया गया है, लेकिन वैकेंसी 2924 से ज़्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पर 2924 छात्रों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया गया है। लेकिन अब वैकेंसी की तरफ देखते हैं कितने छात्रों की यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं आपकी आरआरबी जो 2018 की वैकेंसी है आरआरबी चेन्नई जोन में, ठीक है, चेन्नई जोन की वैकेंसी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है 2018 की वैकेंसी का हमने अपडेट देख लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन्नई वैकेंसी में जो वैकेंसी है चेन्नई जोन की वो 2979 वैकेंसी है, ठीक है, और कुछ जो है वो आपकी बाद में बढ़ा दी गई थी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेटों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2979 वैकेंसी कुछ समथिंग में है, ठीक है, लेकिन जो छात्रों को क्वालिफाई किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो 2924 छात्रों को क्वालिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या सेकेंड लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी वो जो है हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। साथ ही हम चलते हैं अब यहाँ पर थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आरआरबी चेन्नई को जोन को जो है कि जितनी वैकेंसी थी उतने भी यहां पर जो है उन छात्र नहीं मिले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, यानी कि 2979 वैकेंसी है और यहां पर 2924 छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिया गया है। क्या देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छात्र फिजिकल में तो बहुत गए थे लेकिन वहाँ पर छात्रों को डिसक्वालीफाई कर दिया, शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, तो ये जो है पता नहीं कैसे क्या हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा जो छात्र जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आया है लेकिन वो फिजिकल में क्वालिफाई हुआ था, तो एक बार कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर बताइएगा कि आप जो देखिए जो छात्र सभी बताएं कि कौन कौन छात्र जो फिजिकल में क्वालिफाई हुए थे लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम नहीं आया, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक बार बताइएगा जिससे हम आप ये जो है यहाँ पर चेक कर सकें। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बात आती है कि इतने कम छात्रों को लिया गया क्या सेकेंड लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ देखिए 2979 कुछ वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2924 छात्रों को जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं फ्रेंड देखिए रेलवे को तो इतने छात्र चाहिए ही चाहिए यानी 2979 छात्रों को, तो देखिए ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2924 छात्रों को ले लिए तो सभी क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इतने सभी छात्र तो क्वालिफाई नहीं होंगे, कुछ छात्र जो ऐसे होंगे जिसमें डिसक्वालीफाई भी होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपकी सेकेंड लिस्ट भी जारी की जाएगी, ये तो कन्फर्म है, 99% ही कन्फर्म है कि आपकी सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी क्योंकि जितने छात्र लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी छात्रों को जो है यहाँ पर जो है सेकंड लिस्ट ही आपकी जारी की जाएगी, ठीक है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, सभी छात्र इस चीज़ को ना करें। लेकिन जो छात्र पीडब्ल्यूडी वाले हैं, ठीक है, और जिन छात्रों का नाम नहीं आया वो छात्र एक बार कमेंट करके बताइए क्योंकि उनका फिजिकल यहाँ पर नहीं पास हो गया लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नाम नहीं आया शॉर्ट लिस्ट में, तो वो छात्र कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अहमदाबाद जोन के भी जो है फिजिकल हो रहे हैं, फिजिकल जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, वहाँ पर भी अहमदाबाद जोन के जो है फिजिकल जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको आपको जो चेन्नई जोन के जितने छात्र उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा जब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये तो लिस्ट रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छात्रों के लिए जो क्वालिफाई किए गए हैं, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये कॉलम है क्लिक हेयर फॉर कॉल लेटर, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो दूसरी लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएगी एडमिट कार्ड के लिए। जो छात्र चेन्नई जोन से बिलोंग करते हैं जिन छात्रों का नाम है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है लिस्ट में जो छात्र क्वालिफाई किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी एडमिट कार्ड, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालिएगा, साथ ही अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर जब आप डालेंगे तो डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है, ठीक है, तो गेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो डाउनलोड हो जाएगा और सभी छात्र जो अपना देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स जिन छात्रों का नहीं शो कर रहा है या नहीं दिखा रहा है तो वो छात्र कमेंट करके बता दीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा जिससे मैं आपको चेक कर सकूँगा। लेकिन फ्रेंड्स वही छात्र बताएं जिन छात्रों का जो है इसमें लिस्ट में नाम है और उनका एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा है, ठीक है, लिस्ट में आपका रोल नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन है, ठीक है, आप शॉर्ट लिस्टेड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आपको जो है नाम नहीं है तभी आप जो है कमेंट करके जवाब बता दीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ कमेंट करके, ठीक है।
तो फिलहाल ये अपडेट था पूरा। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रेलवे ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको और कोई फ्रेंड में क्वेरी हो अदर वैकेंसीज को लेकर भी तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम आपके लिए हमेशा जो है जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हम आपको सभी जवाब नहीं दे पाते तो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी।